नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश में। मैं हूं प्रीति सिंह। सड़कें और पुल किसी भी राष्ट्र की जीवन रेखा है और सुदूरवर्ती क्षेत्रों के सामाजिक आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। देश की सीमाओं की सुरक्षा के मद्देनजर सरकार का सरहदी सीमाओं पर बुनियादी ढांचे के निर्माण पर जोर है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सामरिक महत्व के हिमाचल प्रदेश में बनी अटल टनल रोहतांग का उद्घाटन किया। अटल टनल देश को समर्पित करने के बाद सरकार ने सामरिक महत्व की एक और टनल का निर्माण शुरू कर दिया है। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 7 राज्यों और संघ शासित प्रदेशों में 44 पुलों को राष्ट्र को समर्पित किया। ये पुल कनेक्टिविटी और विकास के एक नए युग की शुरुआत करेंगे। इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे सीमावर्ती क्षेत्र में निर्माण से जुड़ी परियोजनाओं की। दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग अटल सुरंग को बनाना आसान काम नहीं था। एक तरफ हिमालय के विशाल काय मजबूत पहाड़ तो दूसरी तरफ जानलेवा मौसम, लाजमी था परेशानियों का आना। इतना ही नहीं, इस सुरंग की शुरुआती लागत करीब 900 करोड़ रुपए आकी जा रही थी, लेकिन सुरंग बनी तो उस पर 3200 करोड़ रुपए खर्च हो गए। लेकिन कहते हैं ना, इंसान चाह ले तो पहाड़ का भी सीना चीर देता है, और ठीक यही हुआ। सिंधु नदी के किनारे बसा कुदरत का ये अनोखा और अनमोल खजाना लद्दाख प्राकृतिक खूबसूरती से भरपूर है, लेकिन बर्फीली चोटियों, सुंदर झीलों और आकर्षक मठों के साथ आध्यात्मिकता को समेटे सैलानियों के पसंदीदा सैरगाह लद्दाख साल भर यूं ही पर्यटकों से गुलजार नहीं रहता। भारी बर्फबारी के चलते साल में लगभग 6 महीने लद्दाख देश के बाकी हिस्सों से कट जाता है। हालांकि अब ये 12 महीने यानी साल भर यूं ही गुलजार रहेगा। 3 अक्टूबर को लाहौल घाटी के बाशिंदे उस ऐतिहासिक दिन के गवाह बने जब देश के लिए सामरिक और रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण इस अटल टनल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को समर्पित किया। यह ऐतिहासिक अवसर है सारे देश के लिए। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी रिबन काट कर विधिवत रूप से अटल टनल को देश को राष्ट्र को समर्पित कर रहे हैं। करतल ध्वनि से उनका अभिनंदन किया जा रहा है। हर साल सर्दियों में बर्फ की वजह से बंद पड़ जाने वाला आवागमन अटल टनल के जरिए पूरे साल चालू रहेगा। अटल टनल के लोकार्पण के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सड़कों, पुलों और सुरंगों का निर्माण कार्य व्यापक पैमाने पर किया जा रहा है और सीमावर्ती बुनियादी ढांचे के विकास पर विशेष जोर दिया जा रहा है। बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए पूरी ताकत लगा दी गई है। दर्जनों प्रोजेक्ट पूरे किए जा चुके हैं और अनेकों प्रोजेक्ट पर तेजी से काम चल रहा है। सड़क बनाने का काम हो, पुल बनाने का काम हो, सुरंग बनाने का काम हो, इतने बड़े स्तर पर देश में इन क्षेत्रों में पहले कभी काम नहीं हुआ। प्रधानमंत्री ने कहा कि अटल टनल लेह लद्दाख की लाइफलाइन बनेगी और पर्यटकों के साथ किसानों को भी भरपूर मदद मिलेगी। अटल टनल हिमाचल प्रदेश के एक बड़े हिस्से के साथ साथ नए केंद्र शासित प्रदेश लेह लद्दाख की भी लाइफलाइन बनने वाला है। अब सही मायनों में हिमाचल प्रदेश का ये बड़ा क्षेत्र और लेह लद्दाख देश के बाकी हिस्सों से हमेशा जुड़े रहेंगे। लेह लद्दाख के किसानों, बागवानों, युवाओं के लिए भी अब देश की राजधानी दिल्ली और दूसरे बाजार तक उनकी पहुंच आसान हो जाएगी।
समुद्र तल से 3000 मीटर से भी ज्यादा ऊंचाई पर हिमालय की पीर पंजाल पहाड़ियाँ जितनी खूबसूरत हैं, उतनी ही जानलेवा भी हो सकती हैं। सर्दियों में यहाँ बर्फीली हवाएं 80 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से बहने लगती हैं। ऐसे में दो पहाड़ियों का सीना चीरकर टनल बनाने का काम किसी इंजीनियरिंग की चमत्कार से कम नहीं रहा। टेक्निकली द प्रोजेक्ट वाज वेरी चैलेंजिंग एंड देन मेनली बिकॉज ऑफ द जियोलॉजिकल एंड जियोटेक्निकल इश्यूज वी हैड एन एसोसिएट पार्टनर फ्रॉम ऑस्ट्रिया फॉर एन एटम टेक्नोलॉजी D2 कंसल्ट इंटरनेशनल एंड विद दैट वी कुड बी एबल टू डू दैट। अटल टनल के दक्षिण छोर धौंडी को उत्तरी छोर सिस्सू से जोड़ने के चुनौती भरे कठिन काम को अंजाम देने की जिम्मेदारी बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन पर छोड़ी गई और 28 जून 2008 को शुरू हुआ सुरंग की खुदाई का काम। ये इलाका 6 महीने बर्फ से ढका रहता है, इसलिए उत्तरी छोर से साल भर खुदाई का काम करना मुश्किल था। इसी वजह से सुरंग का करीब 75% काम दक्षिणी छोर से पूरा किया गया और 15 अक्टूबर 2017 को सुरंग के दोनों सिरों को मिलाने का काम पूरा कर लिया गया। जो BRO अंडरटेक कर रहा है, इस टनल का खासियत यह है, जो जैसे मैंने बोला तो वर्ल्ड का सबसे लॉन्गेस्ट टनल है और सबसे डिफिकल्ट टनल माना जाता है इसको, वर्ल्ड का सबसे डिफिकल्ट टनल है। इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता सेरी नाला, एक प्रॉब्लम था तो वो 600 मीटर का तकरीबन 600 मीटर लंबा है, वो सबसे बड़ा एक शेयर सोन है, वो भी एक जो है एक रिकॉर्ड है कोई भी टनल में इतना लंबा कंटिन्यूस शेयर सोन जो है कोई टनल में हो, तो उसको हमने पार करने में उनको बहुत मेहनत करना पड़ा। 17 नवंबर 2019 को पहली बार 44 यात्रियों को लेकर एक बस इस सुरंग से गुजरी। 9.02 किलोमीटर लंबी इस सुरंग की वजह से यात्रा का 46 किलोमीटर लंबा रास्ता मात्र कुछ ही मिनटों में पूरा कर लिया गया, जबकि पहले इस सफर में 5 से 6 घंटे लगते थे और अगर मौसम खराब हुआ तो ये सफर और भी लंबा और मुश्किल हो जाता था। अटल सुरंग में 8 मीटर की डबल लेन चौड़ी सड़क तैयार की गई है, जिसमें 5.5 मीटर से ज्यादा का ओवरहेड क्लियरेंस है। इस सुरंग से एक दिन में करीब 3000 कारें और 1500 ट्रक गुजर सकते हैं। इसमें अत्याधुनिक वेंटिलेशन सिस्टम, SCADA कंट्रोल्ड फायर फाइटिंग, रोशनी और निगरानी के लिए खास इंतजाम है। इनके अलावा सुरंग में हर 150 मीटर की दूरी पर टेलीफोन की सुविधा उपलब्ध है, जिसे आपातकाल में इस्तेमाल किया जा सकता है। हर 60 मीटर की दूरी पर आग बुझाने का यंत्र और CCTV कैमरे भी लगे हैं। साथ ही हर 250 मीटर की दूरी पर CCTV कैमरों से लैस ऑटो इंसिडेंट डिटेक्शन सिस्टम भी लगे हैं। अटल टनल को दुनिया का सबसे मुश्किल टनल माना जाता है। 2 किलोमीटर पहाड़ के नीचे है, 600 मीटर का एक शेयर जोन क्रॉस किया है जो किसी टनल ने दुनिया में नहीं किया है। इसके अंदर सारे आधुनिक उपकरण हैं, तो इस टनल के साथ एक्चुअली एज अ कंट्री इंडिया हैज अराइव्ड एज फार एज टनलिंग इज कंसर्न, सो वी फील एक्सट्रीमली प्राउड। पर्सनली ऑल्सो आई फील वेरी इलेटेड एंड आई फील अ सेंस ऑफ कम्प्लीशन, बिकॉज मैंने इस टनल को सेरीनाला में देखा है, मैंने इसका ब्रेक थ्रू देखा है जब हमारे दोनों एंड्स ज्वाइन हुए थे। लाहौल घाटी में रोहतांग दर्रे के नीचे बनाई गई अटल सुरंग के जरिए आवाजाही शुरू होने से वहां तैनात देश के जांबाज जवानों को भी आने जाने में काफी आसानी होगी। उम्मीद है कि सुरंग के तैयार होने से सैलानी साल भर लद्दाख की कुदरती खूबसूरती का लुत्फ उठा सकेंगे और इससे पर्यटन से जुड़े लोगों को भी काफी फायदा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तय करने का सिलसिला शुरू होता है। अटल टनल देश को समर्पित करने के बाद सरकार ने सामरिक महत्व की एक और टनल जोजिला टनल का निर्माण शुरू कर दिया है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने 15 अक्टूबर को एशिया की सबसे लंबी टनल रोड के निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। हजार मीटर की ऊंचाई पर दुनिया के सबसे खतरनाक रास्तों में से एक जोजिला दर्रा के नीचे शुरू हो गया है जोजिला टनल का निर्माण। जोजिला दर्रे पर बनने वाले 14.1
15 किलोमीटर लंबी सुरंग से राष्ट्रीय राजमार्ग 1 पर द्रास कारगिल होते हुए श्रीनगर और लेह जुड़ जाएंगे। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बनाई जा रही इस जोजिला टनल के निर्माण के लिए जम्मू कश्मीर के पश्चिमी पोर्टल नीलागढ़ और लद्दाख के ईस्ट पोर्टल स्पैंगला मीनमर्ग में 15 अक्टूबर को विस्फोट किया गया। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए निर्माण कार्य की शुरुआत की। उन्होंने कहा, जोजिला सुरंग का इस्तेमाल लद्दाख, लेह और कश्मीर की अर्थव्यवस्था बदलने वाला है। निश्चित रूप से लद्दाख और लेह की और कश्मीर की इकोनॉमी बदलने में इसका उपयोग होगा। यह टनल की लंबाई 14.15 किलोमीटर है और यह अपने आप में एशिया में सबसे बड़ी टनल बनने वाली है, एक रिकॉर्ड बनने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मई 2018 में एशिया की सबसे लंबी टनल में से एक जोजिला टनल के निर्माण का शिलान्यास किया था। जोजिला सुरंग और अप्रोच रोड का निर्माण कार्य अलग अलग करने पर 10,643 करोड़ आने का अनुमान था, लेकिन नए सिरे से सुरंग और संपर्क मार्ग बनाने में कुल लागत में 3,835 करोड़ रुपए की बचत की गई। इस तरह परियोजना में 6,808.63 करोड़ रुपए की कुल पूंजी लागत आएगी। इस परियोजना के तहत कुल 32.78 किलोमीटर लंबी सड़क तैयार की जाएगी। इसमें 14.15 किलोमीटर लंबी सुरंग बनाई जाएगी, साथ ही 18.63 किलोमीटर लंबी अप्रोच रोड का निर्माण होगा। अप्रोच रोड बनने से जेट मोड सुरंग इस मार्ग से जुड़ जाएगी। परियोजना को 8 साल में पूरा करने की समय सीमा तय की गई है। ये टनल एशिया की सबसे बड़ी बाई डायरेक्शनल टनल होगी, जिसमें 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वाहन चल सकेंगे। श्रीनगर, कारगिल और लेह को 12 महीने जोड़ने के लिए ये टनल मुझे लगता है केवल सुविधा नहीं देने वाली है, बल्कि ये दोनों यूनियन टेरिटरीज की ऑलराउंड आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक गठजोड़ को और भी मजबूती प्रदान करेगा। ये सेनाओं के लिए, अर्धसेना बलों के लिए सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू उसका महत्व बार बार दोहराया गया है। ये भी कहा गया पर्यटन के लिए इसका महत्व है कि नॉट ओनली विल दिस टनल फैसिलिटेट टूरिज्म बट अ डे विल कम व्हेन दिस टनल विल इटसेल्फ बी अ टूरिस्ट डेस्टिनेशन। जो जिला जितना अनोखा नाम है उतनी ही अनोखी इसकी भौगोलिक स्थिति भी है। कारगिल जिले में सोनमर्ग और द्रास के बीच 11,575 फुट की ऊंचाई पर स्थित ये इलाका सर्दियों में भारी बर्फबारी की वजह से साल में 6 से 7 महीने देश भर से कट जाता है और इस दौरान सारी जरूरत सेवाएं ठप पड़ जाती हैं। लेकिन सुरंग तैयार होने के बाद श्रीनगर, कारगिल, लेह के बीच सभी मौसम में संपर्क बना रहेगा। इससे जम्मू कश्मीर के एकीकरण के लिए सभी क्षेत्रों में आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। देश के सीमावर्ती इलाकों में सामरिक रूप से महत्वपूर्ण 44 पुलों को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 12 अक्टूबर को राष्ट्र को समर्पित किया। ये पुल लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में है। सरहदों को सुरक्षित करने की दिशा में ये अहम कदम है। सीमांत आबादी के लिए भी ये पुल बेहतर सुविधाओं की नई उम्मीद लेकर आए हैं। देश के उत्तरी, पश्चिमी और उत्तर पूर्वी सीमाएं इलाकों के संवेदनशील क्षेत्रों में सड़कों और पुलों की कनेक्टिविटी के एक नए युग की शुरुआत हुई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसकी शुरुआत 12 अक्टूबर को 44 प्रमुख स्थायी पुलों को राष्ट्र को समर्पित करने के साथ की। साथ ही उन्होंने अरुणाचल प्रदेश के नेचीपू सुरंग के लिए आधारशिला भी रखी। ये सभी पुल रणनीतिक महत्व के हैं और दूर दराज के क्षेत्रों को कनेक्टिविटी प्रदान करते हैं। ये 44 पुल 7 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में फैले हुए हैं।
इन पुलों ने उत्तरी, पश्चिमी और उत्तर पूर्वी क्षेत्रों के दूर दराज के इलाकों में कनेक्टिविटी में सुधार किया और स्थानीय लोगों की आकांक्षाओं को पूरा किया है। इससे सीमावर्ती क्षेत्रों के लोगों को राहत मिलने के साथ सैनिकों और रसद की तेजी से आवाजाही सुनिश्चित हुई है। इनके निर्माण से हमारी पश्चिमी, उत्तरी और साथ ही साथ नॉर्थ ईस्ट के दूर दराज के इलाकों में मिलिट्री और सिविल ट्रांसपोर्ट में निश्चित रूप से बड़ी सुविधा मिलेगी और मैं यह भी मानता हूं कि हमारी आर्म्ड फोर्सेस के जवान बड़ी संख्या में ऐसे इलाकों में तैनात होते हैं जहां पूरे साल ट्रांसपोर्ट की सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाती है। आर्म्ड फोर्सेस की सामरिक आवश्यकता हो या अन्य विकास के काम, इन्हें पूरा करने में ऐसे पुलों और सड़कों की समान और एक अहम भूमिका होती है। 30 मीटर से लेकर 484 मीटर तक लंबे विभिन्न आकार के 44 पुलों में जम्मू कश्मीर में 10 और 8 पुल लद्दाख में हैं, जो इस क्षेत्र के पूर्व में वास्तविक नियंत्रण रेखा और पश्चिम में नियंत्रण रेखा के निकट सामरिक रूप से महत्वपूर्ण 4 सड़कों पर बनाए गए हैं। उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश में 8-8, पंजाब और सिक्किम में 4-4, जबकि 2 पुल हिमाचल प्रदेश में स्थित हैं। ये सभी पुल सामरिक महत्व के हैं और सीमाई क्षेत्रों में नागरिक और सैन्य परिवहन की भारी आवाजाही को सुविधाजनक बनाने के लिए डिजाइन किए गए हैं। इन पुलों से सुदूर सीमाई क्षेत्रों के समग्र आर्थिक विकास में योगदान के साथ रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सशस्त्र बलों की शीघ्र तैनाती में भी सहायता मिलेगी। सड़क निर्माण में तेजी लाने के अलावा BRO यानी बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन ने 2019 में 28 प्रमुख पुलों को पूरा करके पुलों के निर्माण पर विशेष जोर दिया है, जबकि इस साल 102 प्रमुख पुलों का निर्माण पूरा किया जा रहा है। इनमें से 54 पुल पहले ही पूरे हो चुके हैं। सशस्त्र बलों और दूर दराज के इलाकों में रहने वाले लोगों की तत्काल जरूरतों को पूरा करने के लिए BRO ने 60 से अधिक बेली पुलों का भी निर्माण किया है। BRO ने रणनीतिक महत्व के कार्यों जैसे प्रमुख पुल और सड़क, अटल सुरंग रोहतांग, सेला सुरंग आदि के निर्माण और सामरिक पर्वतीय मार्ग के उद्घाटन के लिए स्नो क्लियरेंस के साथ COVID-19 महामारी संबंधी प्रतिबंधों के दौरान भी लगातार काम किया। 44 पुलों को राष्ट्र को समर्पित करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सीमा सड़क संगठन को बधाई देते हुए कहा कि एक ही बार में 44 पुलों का समर्पण एक शानदार रिकॉर्ड है। एक साथ इतनी संख्या में पुलों का उद्घाटन और टनल का शिलान्यास अपने आप में मैं मानता हूं कि बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। 7 राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में स्थित ये सारे ब्रिज कनेक्टिविटी और डेवलपमेंट के एक नए युग की शुरुआत करेंगे, ऐसा मैं मानता हूं। पाकिस्तान और चीन के साथ भारत की सीमाओं पर स्थिति का जिक्र करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत न केवल सीमा पर स्थिति का मजबूती से सामना कर रहा है, बल्कि सभी क्षेत्रों में बड़े और ऐतिहासिक बदलाव भी कर रहा है। पहले पाकिस्तान और अब चीन के द्वारा भी मानो एक मिशन के तहत सीमा पर विवाद पैदा किया जा रहा है। इन दोनों देशों के साथ हमारी लगभग 7,000 किलोमीटर की सीमा मिलती है, जहां किसी न किसी सेक्टर में आए दिन तनाव बना रहता है। इतनी समस्याओं के बावजूद हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल और दूरदर्शी नेतृत्व में यह देश न केवल इन संकटों का दृढ़ता के साथ सामना कर रहा है, बल्कि सभी क्षेत्रों में बड़े और ऐतिहासिक बदलाव भी ला रहा है। सीमावर्ती क्षेत्रों में विकास संबंधी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि सभी परियोजनाओं की प्रगति की नियमित रूप से निगरानी की जा रही है और उनके समय पर निष्पादन के लिए पर्याप्त धन उपलब्ध कराया जा रहा है। राजनाथ सिंह ने अरुणाचल प्रदेश के तवांग की सड़क पर रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण नीचपू सुरंग की आधारशिला भी रखी। भालुकपांग और तवांग को आपस में जोड़ेगी और इसकी लंबे समय से डिमांड हो रही थी। 450 मीटर लंबी बाई लेन नीचपू टनल ऑल वेदर कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने, यात्रा का समय और दूरी कम करने के साथ साथ नागरिकों की सुरक्षा की दृष्टि से भी
बहुत ही महत्वपूर्ण है। दो लेन वाली 450 मीटर लंबी नेजपुर सुरंग सभी मौसम में कनेक्टिविटी सुनिश्चित करेगी और दुर्घटना आशंकित क्षेत्रों में एक सुरक्षित मार्ग भी प्रदान करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। पूर्वोत्तर की सीमा 5 देशों से मिलती है। ये देश है नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार और चीन। ऐसे में केंद्र सरकार ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में बुनियादी परियोजनाओं की एक विस्तृत श्रृंखला पर विशेष ध्यान दिया है। इस क्षेत्र में रेल, सड़क और सुरंग समेत दूसरी बुनियादी ढांचे में सुधार पर जोर दिया गया है। भारत की पूर्व की ओर देखो नीति ने पूर्वोत्तर को और अधिक महत्वपूर्ण और रणनीतिक बना दिया है। देश की पूर्वोत्तर की सीमा 5 देशों से मिलती है। ऐसे में यहाँ का रणनीतिक और सामरिक महत्व और बढ़ जाता है। पिछले कुछ सालों में पूर्वोत्तर के संपूर्ण क्षेत्र में संपर्क के क्षेत्र में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। असम के डिब्रूगढ़ शहर के करीब बोगीबील में ब्रह्मपुत्र नदी पर बना 4.94 किलोमीटर लंबा पुल रणनीति के नजरिए से काफी अहम है। पुल को सामरिक दृष्टि से बेहद अहम माना जा रहा है। 25 दिसंबर 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिब्रूगढ़ को अरुणाचल प्रदेश के पासीघाट से जोड़ने वाले देश के सबसे लंबे सड़क और रेल पुल का उद्घाटन किया। ब्रह्मपुत्र के दोनों तरफ बसे लोगों की कनेक्टिविटी के अलावा असम के इस हिस्से को चीन की सीमा से सटे अरुणाचल प्रदेश से जोड़ना बेहद जरूरी था, ताकि बिना किसी दिक्कत के भारतीय फौज अपने सामान के साथ सीमावर्ती प्रदेश के आखिरी छोर तक कम समय में पहुंच सके। 5900 करोड़ रुपए की लागत से बना ये देश का सबसे लंबा रेल सड़क पुल है। बोगीबील पुल के नीचे की तरफ 2 रेल लाइन बिछाई गई है और उसके ऊपर 3 लेन की सड़क बनाई गई है, जिस पर भारी सैन्य टैंक आसानी से गुजर सकेंगे। पुल के शुरू होने के साथ ही असम से अरुणाचल प्रदेश के बीच की यात्रा का समय 4 घंटे कम हो गया है। बोगीबील पर पुल बनाने की मांग 1965 में उठी थी। इसी साल जब उस समय के केंद्रीय कृषि मंत्री जगजीवन राम डिब्रूगढ़ के दौरे पर आए तो ब्रह्मपुत्र पर पुल बनाने की मांग उठाई गई। बोगीबील पुल के निर्माण से जुड़ी परियोजना 1997-98 में स्वीकृत हुई। परियोजना की आधारशिला तत्कालीन प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा ने 1997 को रखी थी। परियोजना पर काम 2002 को यानी अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के दौरान शुरू किया गया। इसके निर्माण में देश में पहली बार यूरोपीय वेल्डिंग मानकों का पालन किया गया। पुल में 125 मीटर के 39 गर्डर्स और 33 मीटर स्पैन के 2 गर्डर्स हैं। पुल उत्तर पूर्व क्षेत्र के लिए एक जीवन रेखा है। भारतीय फौज को अरुणाचल प्रदेश के सीमावर्ती हिस्सों में पहुंचाने के लिए ये पुल काफी मददगार साबित हुआ। इससे पहले 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ढोला सादिया यानी भूपेन हजारिका सेतु का उद्घाटन किया, जो उत्तरी असम और पूर्वी अरुणाचल प्रदेश के बीच पहला स्थायी सड़क कनेक्शन है। देश का सबसे लंबा नदी पुल लोहित नदी के ऊपर बना है, जिसका एक छोर अरुणाचल प्रदेश के ढोला गांव में और दूसरा छोर असम के सदिया को जोड़ता है। असम में तिनसुकिया जिले के सदिया में 2056 करोड़ रुपए की लागत से बना ये पुल 9.15 किलोमीटर लंबा है। पुल को टैंकों के आवागमन के हिसाब से डिजाइन किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन यानी सीमा सड़क संगठन देश के सीमावर्ती इलाकों में आधारभूत संरचना विकास के क्षेत्र में एक प्रमुख सरकारी संगठन है। ये संगठन भूटान, अफगानिस्तान, म्यांमार और श्रीलंका में भी निर्माण के काम को अंजाम देता है। एक नजर बीआरओ के कामकाज और उपलब्धियों पर। सीमा सड़क संगठन सेना का एक सिविल इंजीनियरिंग संस्थान है, जिसका काम सेना को युद्ध और शांति काल में इंजीनियरिंग सेवा मुहैया कराना है। बीआरओ का उद्देश्य समर्पित, प्रतिबद्ध और किफायत से बुनियादी ढांचे का विकास करते हुए सशस्त्र बलों को उनकी सामरिक जरूरतों को पूरा करने में मदद करना है। निर्माण के बदलते परिदृश्य में समय की मांग के अनुरूप अंतर्राष्ट्रीय स्तर की विशिष्ट गुणवत्ता किफायती के साथ हासिल करना, अंतरदेशीय और देशी विकास परियोजनाओं में भागीदारी बढ़ाकर अपनी क्षमता और विशेषज्ञता में वृद्धि करना, अत्याधुनिक तकनीक का इस्तेमाल उसके अनुरूप ढालना और विकास में नेतृत्व, सूचना प्रौद्योगिकी के आधिकारिक प्रयोग करके सही समय पर सटीक और प्रभावी फैसला लेना,
प्रतिस्पर्धा के आधार पर निर्माण गतिविधियों में उच्च स्तर की कुशलता और प्रवीणता हासिल करना। इनके अलावा संगठन के प्रत्येक व्यक्ति में आत्मसम्मान और नई ऊर्जा सुनिश्चित करने के लिए मूल्यों के प्रति समझ पैदा करना है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन अपनी स्थापना के समय से ही दूर दराज के इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण में सदैव आगे रहा है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख जैसे केंद्र शासित प्रदेशों में अधिकांश सड़कों और एयरफील्ड्स के विकास में बीआरओ की बहुत बड़ी भागीदारी रही है और वह सराहनीय भागीदारी रही है। सीमा सड़क संगठन शांति काल में सीमावर्ती इलाकों में जनरल स्टाफ की ऑपरेशनल सड़कों का विकास और रखरखाव और सीमावर्ती राज्यों के आर्थिक और सामाजिक उत्थान में योगदान करता है, जबकि युद्ध काल में वास्तविक इलाकों से और दोबारा तैनाती वाले इलाकों से नियंत्रण रेखा के लिए सड़क का विकास और देखभाल करना इस संगठन की प्रमुख भूमिका है। बीआरओ ने भूटान, म्यांमार, अफगानिस्तान जैसे अन्य मित्र देशों में भी सड़कों का निर्माण किया है। बीआरओ जिन 18 अहम परियोजनाओं को संचालित करता है उनमें पूर्वी क्षेत्र के लिए अहम परियोजनाएं हैं अनुनक, ब्रैम, दंतक, पुष्पक, सेतुक, सेवक, स्वास्तिक, उद्यक और वर्तक। वहीं पश्चिमी क्षेत्र की अहम परियोजनाएं हैं बीकन, चेतक, दीपक, हिमांग, हीरक, रोहतांग टनल, संपर्क, शिवालिक और विजयक। लॉकडाउन की अवधि के दौरान भी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने उत्तर पूर्वी राज्यों, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में निरंतर कार्य किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस साल जुलाई में जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती इलाकों में 6 पुलों का उद्घाटन किया। इनमें से 4 पुल अखनूर में अखनूर पलान वाला मार्ग पर और 2 पुल कठुआ जिले में तारना नाला पर बनाए गए हैं। बीआरओ भारत चीन बॉर्डर रोड के नए निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारत चीन सीमा पर 73 सड़कों की पहचान रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण सड़कों के रूप में की गई है। इनमें से 61 सड़कों के निर्माण का दायित्व सीमा सड़क संगठन को दिया गया है, जिनकी कुल लंबाई 3,417.50 किलोमीटर है। 2008 से 2016 के बीच बीआरओ के लिए सालाना बजट 3,300 करोड़ से 4,600 करोड़ रुपए के बीच था। 2019-20 में आवंटन बढ़ाकर 8,050 करोड़ रुपए कर दिया गया। इतना ही नहीं, 2020-21 में ये धनराशि 11,000 करोड़ रुपए से भी अधिक हो गई। कोविड-19 के बावजूद इस बजट में कोई कमी नहीं की गई। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और इसके साथ फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। आप हमारे इस कार्यक्रम को YouTube पर भी देख सकते हैं और अपनी राय और सुझाव हमारे साथ साझा कर सकते हैं। बने रहिए राज्यसभा टीवी के साथ। नमस्कार।